अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे और सब अपने अपने घर में खुश होंगे। ठीक है, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और दुआओं में याद रखें हमें भी, और हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। तो आज की रेसिपी जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ, अंडा पराठा। तो आपने अंडा पराठे खाए होंगे, तो आज मैं आपको घर के आटे से अंडा पराठे की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। यहाँ मैंने 2 कप आटा ले लिया है और इसमें मैं अब ऐड करूंगी 1/2 स्पून चीनी, जो कि बहुत ज़रूरी है, और 1 चम्मच मैं यहाँ पे घी का ऐड करूंगी। ठीक है, क्योंकि पराठे को क्रिस्पी बनाने के लिए घी डालना डो में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स हल्के हाथों से। ठीक है, ताकि जो है वो हमारे ये जो घी और नमक है वो मिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा मिक्स हो चुका है। ठीक है, अब हम आम जैसे आटा गूंथते हैं, थोड़े थोड़े पानी से इसको हम गूंद लेंगे। ठीक है, ये हमारा घी जो है वो मिक्स हो चुका है आटे में। अब हम इसमें क्या करेंगे, पानी के साथ इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे जो है हम पानी ऐड करने लगेंगे। अच्छा, एकदम से नहीं ऐड करना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करना है, और इसको हमने इस तरह से गूंदना, पहले अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब होने देना, एंड देन इसको हल्के हाथों से हम गूंदेंगे सारा। ठीक, तो यहाँ देखेंगे हमने आटा जो है अपना गूंद लिया, इसको हल्के से मुठियाँ देंगे। ठीक है, एंड देन ये जब आटा हुआ, ये देखें सही है, बस इस तरह मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है वो आटा हो गया रेडी। तो हम अब जो है तैयार करेंगे अंडे का बैटर। सबसे पहले चाहिए होगा अंडा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे अब सबसे पहले तो हरी मिर्चें, जो कि मैंने बहुत बारीक बारीक काटी है, इसके ज़्यादा नहीं काटेगा, मोटी मोटी, कि जो है हमें अंडे के ऊपर अच्छी ना लगे। तो हमें कटोरी को बनाएंगे अच्छे से साफ। ठीक है, उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें धनिया। ठीक है, ये भी हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें हरी प्याज। ठीक है, उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें हसबे ज़रूरत थोड़ा सा कुटी लाल मिर्चें और नमक। ठीक है, एक अंडा है तो उस हिसाब से मैं जो है बैटर तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, ये बैटर मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब मेन जो मैं इसमें डालने लगी, उसमें 1 चम्मच डालूंगी मैं दूध का। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा बैटर बहुत ही सॉफ्ट लुक देगा। ठीक है, और बहुत यमी ऊपर से क्रिस्पी के साथ यमीस टेस्ट देगा। ठीक है, इसको अब हम कर देंगे साइड पे। और ये हमारा, ये देखिए हमारा आटा जो है वो रेस्ट हो रहा था, रेस्ट हो चुका है। अब हम इसका बनाएंगे पेड़ा, बना लिया है पेड़ा, इस तरह का बनाना है पेड़ा। ठीक है, अब हम इसको जो है वो 2 पेड़े बना लिए थे, इसको इस तरह से हम इसको ऊपर रखेंगे और हल्की सी डस्ट करके इसको हम बेलेंगे। ठीक है, और तवा रख दिया गर्म होने के लिए। ये देखिए हमने इसको बेल लिया है, और अब हम इसमें घी ऐड कर दिया था मैंने। ठीक है, और ये हम इसको अच्छे तरह से लगा लेंगे। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो ये हम इस तरह से लगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से बेलेंगे, इसका हम पेड़ा बना लेंगे। अच्छा, मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है वीडियो बनाने के लिए, तो मैं इसको जो है एक हाथ से बेल रही हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से लाइक करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो है मैं एक स्टैंड खरीद सकूँ। अच्छा, ये जो बल्ब पड़ रहा है ना, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से इसको, ये देखिए इस तरह से हमने इसको फ्लावर की शेप देनी है। ठीक है, जो कि मैं यहाँ दे चुकी हूँ। चलिए, अब हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा गोल सा पराठा रेडी है। ठीक है, अब मैं इसको डालूँगी तवे पे। तो ये देखिए हमने तवे पे इसको डाल दिया, माशाल्लाह से देखिए हमारे कितना गोल पराठा है ये। ठीक है, इस तरह से इसको
तल पे डालते हैं उसको, ऐसे भी डालेंगे यहाँ से हम तरह से करेंगे, जिसको हम तल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे जो पराठा है इस पर हम घी डालेंगे, ठीक है। देखो कर देंगे हम ये हल्का, क्योंकि हमारा तवा जो है ऑलमोस्ट हमारा तवा ऑलरेडी इतना गर्म हो गया है। ये जो है हम इस पर ये माशाल्लाह इसमें हम डालेंगे अब घी, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो आप ज़्यादा घी डालें, ये मैं दोनों तरफ लगाऊंगी घी इसमें, ठीक है। हमारा अंडा भी फूटेंगे इसके अंदर, ज़्यादा घी ऐड किया है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि पराठा हमारा रेडी हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये बल आपको नजर आ रहे हैं, इसलिए देखें अब यहाँ पे हमारा पराठा हो गया है रेडी, ठीक है। पराठा रेडी है। अब जो मेन हमारी वीडियो का मेन जो चीज़ है वो मैं इसमें करूँगी ऐड, देखिए पीस भी हो चुका है। मैं प्लेन करूँगी फिर देखिए इसके ऊपर, ठीक है। ये देखिए ये लच्छे हैं किसे आ रहे हैं यहाँ पर, मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी जो हमने अंडे का बैटर भी ऐड किया था, तो मैं इसमें ये ऐड करूँगी, ठीक है। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बैटर ऐड हो रहा है, इसको हम खिला देंगे, ठीक है, ताकि ये सब जगह बैठ जाए। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमने फैला दिया, ठीक है। अब हम इसको बढ़ा देंगे, ये माशाल्लाह माशाल्लाह इसको यहीं ऐसे छोड़ेंगे हम थोड़ी देर, और फिर वापस से कर देंगे ऑन, ठीक है। तो इसको पकड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि अंडा जो है हमारा नीचे को तैयार हो जाए। ये ज़बरदस्त सा हमारा लच्छे वाला पराठा घर के आटे से और अंडा पराठा, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको हम डिश आउट करते हैं, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा जो पराठा है क्रिस्पी भी है और लच्छेदार भी है, ठीक है, और अंडा पराठा भी है। तो आज की वीडियो यहीं तक, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।